तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 भौतिक शास्त्र विषय के लिए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सबको आपके पेपर में आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सबको आपके पेपर में आने वाले सभी अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर में आने वाले सभी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको अच्छे से जरूर देख ले ताकि आप सब लोग इनको अच्छे से समझ सके। तो देखो पहला जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका 90 डिग्री आ जाएगा, जिसमें कि लिखा है संभविक पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कोण होता है 90 डिग्री का, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। तो देखो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद में प्रेरक तत्व का मात्रक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रेरक तत्व का मात्रक आपका हेनरी होता है, तो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहां से देख लें आप लोग, बैंगनी। क्या लिखोगे यहां पर, बैंगनी रंग के लिए। उसके बाद में पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, पांचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहां से आप लोग देख लेंगे, यहां पर पांचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा ये वाला। और उसके बाद में देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा दृश्य प्रकाश। तो देखो इसका राइट आंसर यहां से देख लें, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देख लें, यहां से बढ़ती है, कहां पर लिखा है, ये बढ़ती है, ये लिखा है। उसके बाद में आप लोग यहां से इन क्वेश्चंस को देख लो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला रिक्त स्थान पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर से आप लोग देख लो बढ़ता है। तो देखो इसमें आपको क्या लिखना होगा, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होती है। देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, कि समान, क्या लिखोगे यहाँ पर, कि समान दिशा में होती है, यहाँ से लिख ले, समान दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखो ये दिया गया है, कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख लेना बढ़ जाती है, क्या लिखोगे, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के केंद्रों किनारों पर मुड़ना कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको कहते हैं विवर्तन। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, इसे कहते हैं विवर्तन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन बल द्वारा बंधे होते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नाभिक के अंदर, यहाँ से आपको लोग लिख लेंगे। तो देखो यहाँ तक का मैंने आप सब लोगों को बता दिया, ये अपन ने देख लिया था, प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध से टकरा कर। तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, चौथे में आपका आ जाता है, यहाँ से मैंने आपको बताया था विवर्तन, ठीक है ना। उसके बाद में हम पाँचवा देखें, तो देखो पाँचवे में क्या आएगा, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना था तीव्रता, क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग, तीव्रता की अनुक्रमति होती है। उसके बाद में देखो आप छठा देखते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या आएगा, छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख लेना नाभिकीय बल, क्या लिखोगे, नाभिकीय बल के द्वारा बंधे होते हैं। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, सातवें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख लेना है बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से लिख ले, बढ़ जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आप लोग एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लोगे, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले का जो उत्तर होगा ना, ये आपका आ जाएगा L1+L2, इसका राइट आंसर होगा पहले का। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, किसी प्रतिवर्ती परिपथ में विद्युत धारा बाटीन हो सकती है। देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ से आप लोग लिख ले LC परिपथ, क्या राइट आंसर आएगा इसका, LC परिपथ, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पराबैंगनी, कौन सा पर होता है, पराबैंगनी, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये लिखा 10 सेंटीमीटर वाला, तो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख ले, ये आपका जो दिया गया चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा 2.5, ठीक है ना। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। देखो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, 1/2 और उसके बाद में m/v² और उसके बाद में आगे आपको लिखना है = यहाँ पर आपको लिख लेना है h और उसके बाद में इस प्रकार का आपको चिन्ह बना देना ये, और यहाँ पर आपको लिखना माइनस ये, और इस प्रकार का चिन्ह बना के यहाँ पर आपको लिख देना 0, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण अपन ने देख लिया, लिथियम नाभिक का ये आपको बताना कितने न्यूट्रॉन होते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4, यहाँ से आप लोग 4 नोट कर लो। उसके बाद में ये लिखा NaND गेट के लिए बुलियक व्यंजन लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7वें नंबर के क्वेश्चन का, ये होगा आपका Y = यहाँ पर आपको लिख देना है A और
बी और उसका बार, ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान दिया गया था, तो जोड़ी को भी आप लोग देख लोगे। जोड़ी का मिलान किस प्रकार से आपको करना है, पहले नंबर की जोड़ी आपकी डी से मिल जाएगी और उसके बाद में दूसरे नंबर की जोड़ी ध्रुव प्रबलता, तो देखो दूसरे नंबर की जोड़ी आपकी मिल जाएगी बी से, तो दूसरे की जोड़ी का मिलान आप लोग बी से कर लें। और इसके बाद में तीसरे की जोड़ी का मिलान आपका ए से हो जाएगा और उसके बाद में चौथे की जोड़ी का मिलान किससे होगा आपका ई से, तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लें। तो इस प्रकार से जोड़ी का मिलान पूरा कर लो आप लोग। अवरक्त किरणें खंड खामे जो जोड़ी दे रखी है आपकी अवरक्त किरणें, इसकी जोड़ी का मिलान आपका बी से हो जाएगा। पराबैंगनी किरणें, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका ए से हो जाएगा। उसके बाद में गामा किरणें, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना सी से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी का मिलान पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग कुछ इन क्वेश्चंस को देख लो। चलो अब कुछ और वेरी वेरी मोस्ट एमपी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और देख ले। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत प्लस शून्य हो तो निम्नलिखित में से सही कथन होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर, पहले का राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, ये वाला, यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा घनत्व जे और विद्युत धारा क्षेत्र की तीव्रता ई दिशा है। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, यहाँ से देख ले, एक दूसरे के समांतर होती है। प्रेरक तत्व का मात्रक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लें, इसका राइट आंसर आपका होगा ए नंबर का। उसके बाद में किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होती है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, ये वाला। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पाँचवें नंबर का। देखो प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, यहाँ से देख लें आप लोग, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, ये वाला। और उसके बाद में छठे के बाद में सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर का, ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लो। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लोगे। पहला जो रिक्त स्थान आपको दिया गया है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पहला जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें देख लें। देखो पहले में आपका आ जाएगा विद्युत रोधी, इसमें आपको क्या भरना है, विद्युत रोधी। उसके बाद में प्रेरक तत्व प्रतिराध का एसआई मात्रक, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा ओम, यहाँ पर आप लोग ओम लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अपना हो गया तीसरा, जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी कौन से लेंस की भांति व्यवहार करता है, अवतल लेंस की भांति यह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से देख लें, तीव्रता की दो प्रकाश तरंगों को किस विद्युत परिपथ पर परिमाणी तीव्रता होगी। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे, चौथे का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से इसको देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें इसका जो लिखा गया ना पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो पाँचवें का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से देख लेंगे आप लोग, पाँचवें का राइट आंसर आपका आएगा आवृत्ति। क्या लिखोगे यहाँ पे आप लोग, आवृत्ति। और इसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो थॉमसन एवं रदरफोर्ड दोनों, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और इसके बाद में सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो प्यारे विद्यार्थियों सातवें क्वेश्चन में आपको लिख देना नोट, क्या लिखोगे यहाँ पर, नोट। उसके बाद में यहाँ से आप लोग एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को भी देख लोगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी धारावाही प्रणालिका की संकुचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख लें एक बटा दो, और उसके बाद में यहाँ से आप लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी एसी परिपथ में धारा का आरएमएम मान 10 एमए है, तो शिखर धारा कितनी होगी। तो देखो दूसरे नंबर का क्वेश्चन, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10√2 एम्पियर। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है तीसरे नंबर का, तो देखो प्यारे विद्यार्थी तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर के रूप में आपको वेग लिख देना है। और उसके बाद में हम चौथा पढ़ते हैं, तो देखो चौथे का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ से आप लोगों को क्या लिखना है, फ्रिंज और उसके बाद में चौड़ाई, क्या लिखोगे, फ्रिंज चौड़ाई और उसके बाद में कम हो जाएगी, कम और उसके बाद में हो जाएगी, इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे आप लोग नोट कर लो इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाँचवें नंबर का, यहाँ से अपने आप देखेंगे, तो देखो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में थोरियम नाभिक का प्रतीक, इसमें नाभिक कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें आपको लिख लेना 144 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से लिख लें 144 न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है सातवें नंबर का, यहाँ से देख लेंगे आप लोग, एएनडी गेट के लिए बुलियन व्यंजन लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, इस प्रकार से लिख दें आप लोग ए, और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना बी, इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, जोड़ी का मिलान देख लो। यहाँ से देखो जोड़ी का मिलान आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट करना है, इस प्रकार से आप लोग देख ले बराबर। तो देखो पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका डी से हो जाएगा, और उसके बाद में दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपका ए से हो जाएगा, तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान अगर देखा जाए तो ये आपका बी से होगा, और उसके बाद में चौथे नंबर की जोड़ी का मिलान देखा जाए तो ये आपका ई से हो जाएगा, और उसके बाद में खंड खा को देखें तो खंड खा में जोड़ी का मिलान पहली का जोड़ी का मिलान आपका सी से होगा, और उसके बाद में दूसरी की जोड़ी का मिलान आपका बी से आ जाएगा, और उसके बाद में तीसरे की जोड़ी का मिलान आपका डी से होगा। यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों बाकी के क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। पहले नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख ले। पहले का राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा ये वाला, और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना उसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं तो देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा डी नंबर का ये वाला, और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना आपका इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, चौथे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लो, और उसके बाद में पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, यहाँ से देख ले ये वाला। और इसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी आ जाएगा, उदासीन कहाँ पर लिखा ये वाला। और उसके बाद में सातवें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें तो इसका राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, प्रोटोन, ठीक है ना। यहाँ तक का आप लोग इसको देख लें, और उसके बाद में देखो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, पहला क्वेश्चन सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना यहाँ पर आपको लिख लेना है शून्य हो जाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना, सॉरी बढ़ जाता है। क्या लिखोगे, बढ़ जाता है। क्या लिख लोगे यहाँ से आप लोग, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको केवल बढ़ लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। अगला देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपातिक होती है। तो देखो यहाँ पर लिखना है प्रेरित विद्युत वाल, तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित, और उसके बाद में यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा पूरा, ताकि आप लोग इसको पूरा नोट कर सको। तो ये लिख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या होगा, तो देखो इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, तो देखो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाती है। क्या लिखोगे, अनंत उसके बाद में हो उसके बाद में जाती है, तो ऐसे लिख ले अनंत हो जाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ होनी चाहिए। चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समान होनी चाहिए। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, समान होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। देखो पाँच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना यहाँ से आप लोगों को लिख लेना शून्य होता है। क्या लिखोगे, शून्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा निज अर्धचालक में परमाणु का अपमिश्रण करके एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना इसमें राइट आंसर आ जाएगा पंच संयोजी। क्या लिखोगे यहाँ से, पंच और उसके बाद में संयोजी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिएगा पीएन संधि पर बायस अनुक्रम किए जाने पर इसकी अवचिमरत की मोटाई। तो देखो सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया ना इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पश्च दिशिक। क्या लिखोगे यहाँ से, पश्च और उसके बाद में दिशिक, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से देख लें आप लोग पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो देखो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर किस प्रकार से आपको पूरे करने हैं, तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान जीरो है। तो देखो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता चलता हूँ। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका शून्य आ जाएगा, और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मुख्य धारा की दिशा में। तो इसका राइट आंसर आप लोग नोट कर लोगे, मुख्य उसके बाद में धारा और उसके बाद में की दिशा में, तो क्या लिखोगे, मुख्य धारा की दिशा में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगे उपयोग में लाई जाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा पराबैंगनी तरंगे उपयोग में लाई जाती है, कौन सी, पराबैंगनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10/8, और उसके बाद में इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में प्लांक नियतांक मात्रक का विमीय सूत्र। तो देखो पाँच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जूल और उसके बाद में सेकंड, जूल और इस प्रकार से सेकंड आपको लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ से आपको लिख लेना है यहाँ पर -136 और बटे में आपको लिखना है 4, ये इसका राइट आंसर होगा ई वी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, AND8 के लिए बुलियत व्यंजन लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा Y = A, और यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना B।
और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लोगे। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आपका डी से हो जाएगा, तो पहले की जोड़ी का मिलान डी से कर लो। उसके बाद में दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग ए से कर लो, और उसके बाद में तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको बी से कर लेना, ये लिखा बी। और उसके बाद में चौथे नंबर की जोड़ का मिलान आपको कर लेना ई से, यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में अगला छठे नंबर की इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो, और इसके बाद में इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो, और उसके बाद में इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो, ठीक है ना। यहाँ तक का आप लोग समझ लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने यहाँ से आपको कवर करवा दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।